ये आसाम और त्रिपुरा में जो पिछले दो महीनों में गड़बड़ हुई थी उस ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया और मैं खुद आसाम और त्रिपुरा का दौरा किया था, वहाँ के जो फिसलजदा इलाके वहाँ का मुशाहिदा किया और वहाँ जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए तामीर-ए-मिल्लत काम कर रही है, रिलीफ का काम शुरू करें। बहुत सारे मसाइल है कि जैसा त्रिपुरा की ये बात है कि वहाँ जहाँ जहाँ 16 मस्जिदों को वहाँ नुकसान पहुँचा गया, बाज़ मस्जिदों को तब पूरा जला दिया गया, लेकिन वहाँ एक अच्छी बात ये भी है कि बाज़ मसाजिद जहाँ जले वहाँ गैर मुस्लिमों ने उसको आग को बुझाया, जो हमारे हिंदू भाई थे, और बाज़ जगह कारोबार करने के लिए भी हमारे पास हिंदू भाई मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ त्रिपुरा में ये बात भी सामने आई कि जहाँ जहाँ गड़बड़ हुई गैर मुकामी लोगों ने आके गड़बड़ की, इसके लिए मैं या मीडिया के जरिए मैं त्रिपुरा की हुकूमत से और हिंदुस्तानी हुकूमत से ये मांग करता हूँ कि उनको जो गड़बड़ किए उनको उठाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर केसेस किए जाए। और आसाम में जो गड़बड़ हुई, आप जानते हैं कि वहाँ की जो ज़मीन को खाली करा गया, हुकूमत की ज़मीन थी, 50 साल से वो लोग वहाँ मुकम थी, पहले उनके कहीं दूसरी जगह रहने का इंतज़ाम करना चाहिए था, उसके बाद उनको हटाना चाहिए था। अब उनको ऐसे मुकाम पर लेके जाकर रखा गया है जहाँ बड़े वो मसाइल का शिकार है, वो खाने पीने के लिए परेशान है, और ख़ासकर वहाँ 3 लोगों को शहीद कर दिया गया था। और जो रिपोर्टर जिसने एक मुसलमान जो ज़ईफ़ साहब थे जो पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे उनके सीने पे कूद रहा था, तो मैं कहूँगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसके खिलाफ जो मालूम चला गया जो केसेस डाले गए उतने सख्त नहीं है, हम मैं तामीर-ए-मिल्लत ये मांग करती है कि उसके खिलाफ केस बनाया जाए और कोशिश ये की जाए कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में ऐसे फसादात हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वो चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखने दीजिए, और हिंदुस्तान में ऐसे फसादात नहीं होने चाहिए। और ये महसूस किया गया कि त्रिपुरा के गब्बड़ से कि मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, याद रखिए कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में खून बदमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, याद रखिए कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में खून बदिया है अपना, और हिंदुस्तान की सरजमीन पे हर जगह अपना खून बहाया है। मुसलमान डरने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे, और जहाँ का जो कानून हमें इजाज़त देता है उस कानून के तहत हम हमारे हक के लिए इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। हमें दौरा करने नहीं दिया गया, पुलिस हम जहाँ दौरा करने थे पुलिस वाले आ गए वहाँ रोक दिए, और हमें आगे जाने की इजाज़त दी गई नहीं दी गई, और ख़ासकर हम पानी सागर जाना चाह रहे थे लेकिन वहाँ के हालात में जो भी जा रहा था उनको गिरफ्तार है परेशान किया जा रहा था, और मुकामी पुलिस की इजाज़त नहीं देने की वजह से हम वहाँ आगे नहीं जा सके। या त्रिपुरा के मुसलमान, त्रिपुरा में तो 1% के करीब मुसलमान है, जो मुसलमान है बहुत ज़्यादा गरीब है, और यानी अनपढ़ मुसलमान है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, और आदिवासी टाइप की लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनके बड़े मसाइल हैं, इनमें उनको और तकलीफ में पहुंचाना ये हुकूमत के लिए भी, हमारे लिए भी, और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भी ये रुकावट है। आगे इंशाल्लाह तामीर-ए-मिल्लत रिलीफ का काम कर रही है, अभी तो आप इब्तदाई रिलीफ का काम हम त्रिपुरा में करके आए हैं, आसाम में भी अब हम वहाँ के उनके घर बनाने में और दीगर चीज़ों में इंशाल्लाह हम उनकी मदद करेंगे, और 15-20 दिन के अंदर हमारा दूसरा वक्फ जाएगा और वहाँ के काम को आगे बढ़ाएगा। ये हैदराबाद ने खामोशी थी, तामीर-ए-मिल्लत ने आज ये प्रोग्राम रखे उस खामोशी को तोड़ा है, इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम रखे जाएंगे। दूसरे जमातों के बारे में, दूसरों के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन तामीर-ए-मिल्लत अपनी तरफ जाने से जो हो सकता है इंशाल्लाह ताला करेगी, जांच करेंगे। ये जज भी कई जलसा है कि वहाँ के जो हालात आपके सामने रखे हमारे सामने कि उन्होंने बातों के साथ ये बात कही कि यहाँ पर मूर्तियां बिठाई गई थी, उन्होंने कहा कि मस्जिद को शहीद कर सकता, लेकिन उन्होंने आखिरी में जो फैसला किया वो फैसला हमारे सामने, उसके बाद ही मैं यहाँ जजिया से कि उम्मीद हूँ कि परसों के बाद उनके फैसला रहे जिसके बारे में हमने देखा है। तो एक चीज है कि ये आसाम की जो बात की आपने सुना कि वहाँ के जो मुसलमान है 50 साल से उस मुकाम पे हो रहे, फिर 4-5 हज़ार हो गया, वहाँ की तरफ से कहा गया कि वहाँ की जो जमीन है अतरा से दरिया बहती है, बहुत सारा शानदार पानी है, वहाँ कोई भी काम करते हैं तो 2-2 दिन तरकारी उगाई जाती है, तो 3-3, 4-4 वहाँ पर करते तरकारी की फसलें निकलती है। अचानक उनको आगे कहा गया कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, यहाँ से आप निकल दीजिए, और टोटी कर दीजिए, साथ में बुलडोजर वगैरह सो लेके गए, कच्चे घर थे तीनों के घर थे, बड़ा तमाम के तमाम घर को दिए गए, अब उनको जिस मुकाम पर लेके जाकर रखा गया है वहाँ उनको यही कहा कि उमर साहब आप आए तो हमारी आपसे कहते हैं हमारी जमीन का इंतजाम करा जाए, मुझे पूरे हिंदुस्तान में गाड़ियों से फिर फिर है 1-2-3 किलोमीटर अंदर वो गांव था, तो उनकी ये ख्वाहिश थी जो मैं आप बयान भी सुना चुकी है कि हमारी मदद के लिए जमीन वगैरह खाने पीने के मिला दे। आसाम का इतना बड़ा नुकसान की जितना प्रसाद त्रिपुरा का इतना बड़ा नुकसान की जितना बड़ा नुकसान आसाम का, 9 लोगों को जख्मी किया गया, पुलिस जख्मी के कुछ लोग, 3 लोग वहां पर शहीद हुए, और जो मीडिया के जो रिपोर्टर की आपने तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, बड़ा अफसोस है, मुझे उम्मीद है कि आसाम की हुकूमत भी, हिंदुस्तान की हुकूमत भी, और हमारे सियासी नायक इसके ऊपर खास कर गौर करेंगे, और मीडिया के बदबू को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो आसाम का जो मामला है बड़ा, और एक ही मामला नहीं आसाम का, ऐसे कई जमीना थे जिनकी जमीन हुकूमत की जमीन होगा 50 साल के बारे में खाली करें, कुछ वक्त किया जाना चाहिए था, उनको वक्त दिया गया या दिया गया है तो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आसाम के 5,000 के करीब लोग छत के नीचे को ना खाने के लिए, न उनके लिए पीने के लिए पानी मुयसर है, न टॉयलेट करने के लिए, जरूरत करने के लिए उनके पास टॉयलेट मौजूद है। बड़े कचमा पुर्सी की हालत जिंदगी होता, ये हमारी कौम की भी, मुसलमानों की जिंदगी है। और रिलीजन का काम करना भी बड़ा आसान नहीं रहा, सबका वक्त है। हम बोले 2 महीने से ज्यादा से वक्त है, मैंने कहा कोई नाम लेने वाला नहीं। मेरे घर वाले भी परेशान करके था बाद साहब का, कि माँ बाप ने नाम रखा, अल्लाह तला काम निकल रहा है, सदर साहब का हुकुम था हम रह गए, तो उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिए, कंगना रावत की तैयारी करना, ये वाहरा तो नहीं, ये देखिए वाहरा कहीं नहीं हो सकता आज, नहीं हो सकता। ये बात माफ रखिए, आपको अपनी कुर्बानियां नहीं दे दिया ना, 70 साल की कुर्बानी करे और आने वाले 70 साल देना पड़ेगा, बता नहीं सकता ऐसे बात नहीं, लेकिन इसके लिए तैयारी करना जरूरी है। मैंने कहा कि पहले अपने जहन को तालीम का खरीदो, अपने साथ में सबसे बड़ा काम यही किया था कि मुसलमानों की जहन साजी की थी, और उस काम को फिर जरा जियाउद्दीन निगर साहब ने लेकर नई मनी साहब को काम किया, जियाउद्दीन निगर साहब उस काम को आगे लेकर चल रहे हैं। तो मेरी हमारी मीडिया से दुश्मनी नहीं है, हमारी पुलिस से दुश्मनी नहीं है, हमारी फौज से दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी उन फिरका पसंद लोगों से जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में जो हिंदुस्तान है उसको खराब हो, जो हिंदुस्तान के नक्शे में जो 3 कलर है उस 3 कलर को निकाल कर 1 कलर बना जाए, ये नहीं सोचता कि हम इंशाअल्लाह होने भी नहीं। वैसे मीडिया के लोगों से कहना दूसरी, मैं स्टेट के लेकर साफ कर बात कर रहा हूं, वैसे मीडिया से भी हम दुश्मनी करते हैं जो ये करें, यहाँ 3 कलर है इंशाअल्लाह, कलरफुल हमारा मुल्क है, इस चमन में मुख्तलिफ फूल हमारे लोग उगे हुए हैं, इंशाअल्लाह हम उनके साथ देंगे। लेकिन मेरी आपकी वजह से मंसूर की बात है कि आपसे गुजारिश है कि इसलिए ये फंडिंग के लिए नहीं रखा गया, लेकिन जब मौका मिला है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आप ताउन हल करें, जो आप चल सकते हैं तो मेरा वेलकम है, अगर चल सकता है त्रिपुरा हमारे 50 साल पहले आजादी 2014 में उसके ऊपर कोई जरूर नहीं होगा, अगर यही बात उम्र में सभी बोलते कितने जरूर होंगे पता है, तकलीफ देने आने के बाद उमर खान को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई दो साहब हो गया उनको गौतम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके अंदर जो बेटे उमर गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई ऐसे छोड़ा सबूत नहीं है, लेकिन गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। मुझे पता नहीं यूपी के इलेक्शन तक और कितने लोग गिरफ्तार होंगे, कौन घर में बैठेगा, कौन गिरफ्तार होगा बता नहीं सकते, यूपी के इलेक्शन तक ये वाकया हो सकता चलते रहेंगे। लेकिन जब आप यहाँ आए, क्योंकि मैंने पहले तय किया था कोई जज्बात की आपसे तकलीफ करना नहीं था, रिपोर्ट पेश करनी थी, तो मैंने कुछ अहम चीजें टीवी के जरिए आपको उसके जरिए आपके सामने रख दी, आपको तैयार होना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, आप उसकी तैयारी बंदों को लेके नहीं पर तैयारी चाकू जबिया लेके नहीं, बल्कि आपको पहले अपने जहन को बनाना होगा कि हिंदुस्तान में देखिए हालात बदलते रहे, हम वही जहन के साथ जी रहे, ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसे हालात आपको अपने जहन को बदलना पड़ेगा। दूसरे आपको ये आगे की कानूनी तौर पर जंग लेके लिए दिया, उसके लिए अच्छे वकीलदार चाहिए, अच्छे एजुकेटर चाहिए। अभी मैं हैदराबाद का वाकया बता रहा हूँ, एक शख्स हमारे खालिद साहब है, उनका भी टाइम से ताल्लुक है, वो एक निकाह खाने के बारे में मामला की लड़की गैर मुस्लिम थी और वो बिहार की रहने वाली, अचानक आके खालिद साहब को पकड़ लिया, खालिद साहब के साथ 5-6-8-10 लोग हैं, किधर खालिद साहब को लेके गए पता नहीं, रात तमाम लोग सर्च करते रहे, बाद में पता चला अच्छा वो लड़की आके बयान दी, अगर वो लड़की नहीं मिलती तो खालिद साहब आपके हाथ में उसके भी पैसे मिलते तो औका में जमा करना पड़ता है, जो 1,500-2,500 बिक रहे थे उसमें वो जिंदगी गुजारते हैं। अब उनके जाने हैदराबाद के चंद बबला से तारों के बाद बात की गई तो गाला के कम से कम 1 लाख तो हमारा नहीं किस्त नहीं, आप 1 लाख रुपए रखिए आप यहाँ पर हम चल के बात करें, ये कोई बड़े वकील की बात ना हो, कोई बड़े वकील करने जाते थे तो आपका पता नहीं, तो ये हालात है। इसलिए मैं बताऊंगा तानंद जी यूपी में इंशाल्लाह की बात चल रही थी, आने वाले महीने में बड़ा इंशाल्लाह हैदराबाद विश्व में रखेगी, उसमें कोशिश की जाएगी कि बच्चों को कानून की तरफ और हमारे तरफ मीडिया की तरफ आने, मीडिया में भी मुसलमान नहीं मैं ढूंढिया, मैं जाने से मैं सोचा मीडिया के लोगों से बात करो, आने की कोशिश की जा रही है, आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
جا رہی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ڈرتے ہیں، آپ کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ ایک آخری بات میں آپ کو بولتے ہوئے اپنے بچوں کو ختم کروں گا، وہ بات یہی ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو آپ سنبھالیے۔ آج بہت سارے کیسز جو ہو رہے ہیں، میں کل مسجد عالیہ کی تقریب میں میں نے یہی بات کہی کہ بہت سارے بات بات ہے جو رہے ہیں کہ کئی مسلمان لڑکیاں اپنے مذہب کو تبدیل کر رہی ہے، ایسے لوگوں کے بول میں جا کے بٹری میں بتاتا ہے، ایسے لوگوں سے شادی کر رہی ہے کہ میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، اسلام تبدیل کر رہی ہے، ارتداد میں پھنس رہی ہے، پھر بعد میں جوتے کھا رہی ہے۔ تعمیر ملت پہ روز ہر مہینے میں دو تین واقعہ لاتے ہیں کہ کئی واقعہ میں جو بچی ہندو غیر مسلم سے شادی کر لی تھی، ہندو بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے آنے دو چار مہینے اس کے ساتھ ایک پریگنٹ ہو گئی، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کئی اس کے ساتھ بدسلی بھی کی جا رہی ہے، اور کئی جگہ ایسا ہوا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے دوستوں کے ساتھ نہیں، وہ اپنے واپس آ رہی ہے، اور اس کو کیا میں آپ کے سامنے کروں گا، آپ کے جھگڑے میں نہیں رہ سکتا۔ آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کی اور اپنے گھر والوں کو اپنے محل والوں کو آپ دیکھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک لڑکی جاتی ہے اگر پورا سماج جس کا نقصان ہوتا ہے، سماج کو نقصان ہوتا ہے، تو بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے شادیاں بھی ہیں، بہت سارے کیا مسائل چل رہا ہے، بات چلیں گے تو یہی بات کر رہا تھا کہ ان شاء اللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔